सदर एलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन और तारिक रोड ट्रेड एलायंस के सदर इलियास मेमन ने कहा है कि बिजनेसमैन ग्रुप और कराची चैम्बर की भरपूर मेहनत और कोशिशों से कोऑपरेटिव मार्केट और विक्टोरिया सेंटर के 358 मुतासरीन को मुआवजा 44 करोड़ रुपए मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बात 22 मुसरत है कि हुकूमत ने इस काम का आगाज करते हुए वजीर आला हाउस में मुतासरा दुकानदारों को मुआवजा दिया, जिस पर कराची चैम्बर और बिजनेसमैन ग्रुप के रहनुमाओं और स्मॉल ट्रेड्स कमेटी के चेयरमैन के शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर हम बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोती वाला, वाइस चेयरमैन जावेद बुलवानी, जनरल सेक्रेटरी AQ खलील, सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन, अब्दुल रहमान नकी, काजी जाहिद, स्मॉल ट्रेडर्स कमेटी के ताहया चेयरमैन अब्दुल मजीद मेमन, जबकि सूबाई वजरा में जाम इकराम उल्ला धारीजो, सईद गनी, नासिर हसन शाह, शर्जील मेमन, मुर्तजा वहाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। नदीम सिद्दीकी, M7 City न्यूज, कराची। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। आपका थोड़ा बहुत दिया हुआ भी किसी की जिंदगी में इंकलाब पैदा कर सकता है। दुनिया में सबसे अच्छे लोग वही हैं जो दूसरों के काम आते हैं। रकम छोटी भी हो तो किसी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो यकीनन आपका दिया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आइए अल मुस्तफा से राबता कायम कीजिए कि खुद आपकी जिंदगी में भी एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी।